है सबूत जलियांवाले हत्याकांड का, आगे है गेट के अंदर, ये सारी 400 की। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो जैसा कि आपको पता है मेरे लास्ट ब्लॉग से कि मैं आई हूँ अमृतसर गोल्डन टेंपल। तो अभी हम जा रहे हैं लंगर खाने, तो हमारे दर्शन तो हो गए हैं, आपने लास्ट ब्लॉग में वो सब कुछ देख लिया है। तो अभी हम नहाए यहाँ पे और हमने अपनी ड्रेस चेंज की, मैंने भी और डिंपल ने भी। तो अभी चलते हैं लंगर खाने, उसके बाद जाएंगे हम जलियांवाला बाग। गुड मॉर्निंग, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का। अच्छा, इधर को है ऊपर लंगर हॉल। पहले पाँव डालिए, है कितना गर्म पानी है वहाँ पे, हैंड वॉश करने हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे अंदर भंडारा घर लंगर हॉल, और यहाँ पे 24 आवर्स लंगर रहता है। यहाँ से चल पड़े हैं जलियांवाला बाग के लिए, तो ये लास्ट दर्शन गोल्डन टेंपल के। तो अभी हम हैं अमृतसर की मार्केट में, और यहाँ पे बहुत ही सस्ती मार्केट है, मतलब हर चीज़ 200-300 में इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। जो यहाँ पे टेंपल के साथ ही बाहर छोटा सा बाज़ार है, इधर दोनों तरफ शॉप है, सब मस्त मस्त चीज़ें हैं। और यहाँ पर पंजाबी जूतियाँ कितनी की, 200 की है। ये देखो इधर सब कुछ मिल जाएगा, जूतियाँ और चीज, सूट भी लगे हुए हैं उधर, देखो पीछे 400 के सूट है। तो ये देखिए, इस शॉप में तो बहुत ही ज़्यादा रश है, यहाँ पे भी लगी है सेल जूतियों की, ये सारी 400 की, 900, ये वाली 1500 की रेंज की, ये वाले सारे 400 की रेंज के। ये है जलियांवाला बाग का मेन गेट, और यहाँ पे सबके स्टैचू लगाए गए हैं जिन जिन्होंने भी यहाँ पे अपनी जान गवाई थी, जो शहीद हुए थे। तो अभी आए हम जलियांवाला बाग, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो वो इसी स्थान पे हुआ था। और ये देखिए, इधर सारे हमारे जो भी शहीद हुए हैं सबके फोटोज इस वॉल पे लगे हुए हैं। कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, अगर आपने एग्जैक्ट डेट बता दी, आपको मेरे बदले 1 रुपया। नहीं, 1 रुपया बताओ, कब हुआ था? पता नहीं है, कहाँ से आते हैं डफर लोग, वहीं से जहाँ से आप हैं। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत अच्छी बात है, पढ़ते आप। ये यहाँ पे कितने प्यारे पेड़ है, आगे पीछे। ये है सारा जलियांवाला बाग। और धूप भी इतनी बड़ी है, गर्मी लग रही है अभी तो। सुबह जब वहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे ना, तब उन्होंने फैन चलाए थे जब ठंड लग रही थी, और जैसे धूप लगी फैन बंद। ये वो कुआं है जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो कुछ सैनिकों ने इसमें छलांग मारी थी अपनी जान बचाने के लिए। तो ये बाहर से पूरा कवर्ड है शीशे से और दीवार से, ईंटों की दीवार है, तो इसमें अंदर जाने को जगह नहीं है। पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहरा है नीचे, तभी बाहर से बंद किया है। और इस वॉल पर देखिए, उस टाइम के गोलियों के निशान भी अभी तक यहाँ पर रखे हुए हैं। ये है सबूत जलियांवाला हत्याकांड का, जो आज भी ज़िंदा है। ये वाला तो आप जानते होंगे, क्योंकि जो ये वाली पिक्चर है, स्ट्रक्चर है, ये तो बुक्स में भी था हमारे पास जब स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड की हिस्ट्री बताई गई थी, तो उसमें ये वाला फ़ोटोज़ है। तो देखते हैं यहाँ पे
क्या है और आज अपनी आंखों से देख रहे हैं सामने। जितने भी यहाँ पे मरे थे, शहीद हुए थे, उनकी समाधि बनाई गई है उनकी याद में। और ये है यहाँ पे बहुत ही सुंदर बाग, जैसे कि यहाँ का नाम ही पड़ा है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग भी हमने घूम लिया है, तो अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इतना नहीं घूम सकते बाहर, तो चलते अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी पहुंचते हैं गाड़ी के पास जहां हमने अपनी कार पार्क करी है। जाते जाते एक बार फिर से अमृतसर की मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल लगे हैं। ये है अमृतसर की मार्केट जो गोल्डन टेम्पल के साथ ही है। रात को तो अंधेरा था पर अभी अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। तो इधर हर शॉप में सेल ही बोल रहे हैं, सूट की शॉप में भी और जो स्लीपर वगैरह की और जूतियों की शॉप है वहाँ पे भी सेल है। इधर देखिए इधर भी सेल लगी हर जगह। तो यहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिलता है। ये वाली 800। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम डिम्पल के लिए जूती। अब ट्राई कर लो। तो अमृतसर में जूतियों की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, हर शॉप में जूतियाँ ही जूतियाँ हैं। ये देखिए हर कलेक्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हमने ले ली है फाइनली जूती डिम्पल के लिए। इतनी शॉप देखने के बाद एटलीस्ट हमने बाय कर दी है। तो रोहित, अक्षय और मम्मी निकल गए हैं आगे, तो मैं और डिम्पल जा रहे हैं पीछे से। अब फटाफट चलते हैं, गर्मी बहुत हो रही है और इसके बाद हमें जाना है बाघा बॉर्डर। ये यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू बना हुआ है जिनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ना केवल पंजाब को एकजुट किया बल्कि उन्होंने अपने जीते जी अंग्रेज़ों को अपने साम्राज्यों के आसपास भी भटकने नहीं दिया। इस स्टैचू के चारों तरफ ये इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं पार्किंग में जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। तो यहां से हम जाएंगे अब बाघा बॉर्डर। अब आ रही है सबको नींद, तो रात का सफर था कल। तो इधर डिम्पल तो इधर सो भी गई, रोहित वहां पे सोए है सीट पे, अक्षय चला रहे हैं गाड़ी, पार्किंग करनी गड्डी, मम्मी भी सो गई है, मैं भी अब सो जाती हूँ जब तक गाड़ी नहीं पहुँचते। अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं बाघा बॉर्डर ही। ये हम फाइनली पहुंच गए हैं अटारी के मेन गेट पे और यहाँ से अंदर ही है बॉर्डर और यहाँ से अंदर गाड़ियों को नहीं जाने देते हैं, तो हमें ये पहले अपनी गाड़ी को पार्क करना होगा पार्किंग में। जहाँ पे ये पार्किंग है इसके ऊपर जो छत है वहाँ से थोड़ा बहुत दिखता है नीचे जहाँ पे परेड होगी, तो ऊपर से देखते हैं हम कि कैसा व्यू रहता है नीचे का और आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे आपको फ्लैग तो दिख ही गए होंगे, इधर को इंडिया का है और उधर को पाकिस्तान का है। और जो आपको एक ग्रीन ग्रीन खेत दिख रहे हैं ये है इंडिया की बाउंड्री और आपको सामने तारे नज़र आ रही होगी। ये जो आपके आपको तारे दिख रही है लंबी सी बाउंड्री जो बनी है, इससे परली साइड जो एरिया है वो है पाकिस्तान का और उधर साइड को ही लगा है पाकिस्तान का फ्लैग और इंडिया का इधर को। तो ये थोड़ा बहुत व्यू बाहर से दिख रहा है, बाकी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी जब एंट्री होगी अंदर। तो ये देखिए ये सारे गधे घोड़े सब कुछ बेच के सो रहे हैं, इनको कुछ दिन दुनिया का अभी कोई खबर नहीं है, बिल्कुल मस्त मज़े ले रहे हैं नींद से। 2000 years later.
तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 3 और अभी सारे लाइनअप हो गए हैं। जो बाघा बॉर्डर के लिए मेन गेट खुलता है अंदर को, वो खुलता है 3 बजे, तो जब भी आप आओ तो इस टाइम के अकॉर्डिंग ही आओ। और 5:30 से 6:30 के बीच इवनिंग टाइम में होती है परेड, तो अभी सारे लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। तो हम फाइनली आ गए हैं गेट के अंदर। ये है यहाँ पे फ्रेंड्स इंडिया का मेन गेट, और ये लगा यहाँ पे इंडिया का फ्लैग। ये हम पहुँच गए हैं फाइनली अंदर। तो ये है इंडिया का एरिया इधर को, और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारी जगह है। और यहाँ पे होगी नीचे परेड इंडिया और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वालों का गेट वो उस तरफ रहा आगे को। ये दो शख्स हमेशा लेट होते हैं, सुबह अमृतसर में भी पीछे पीछे से, और हम पहले आ गए और अभी भी ये पीछे पीछे से ही आ गए। अभी आपको पूरा स्टेडियम यहाँ का खाली नज़र आ रहा होगा, पर ये 5:30 तक सारा भर जाएगा। यहाँ पे इतना क्राउड हो जाएगा कि बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी 5:30 तक, क्योंकि परेड जो होगी वो 5:30 से 6:30 के बीच ही होगी। तो आप लोग यहाँ पे जब भी आओ 3 बजे के बाद ही आओ, क्योंकि जो मेन गेट है अंदर का वो 3 बजे के बाद ही खुलता है, और 5:30 तक यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ की जो और एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।